हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। मोदी सरकार पर भड़के राकेश टिकैत, कहा हम नहीं सरकार फैला रही है कोरोना। फाइजर इस साल कोरोना वैक्सीन की 5 करोड़ खुराक देने को तैयार, लेकिन नियमों में चाहती है छूट। बड़ी खबर, देश के इस राज्य में आज से लेकर 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, जाने क्या खुलेगा क्या नहीं। मॉडर्ना के टीके पर अच्छी खबर, कहा हमारी वैक्सीन 12 से 17 साल के बच्चों पर 100% कारगर। मोदी सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा, व्हाट्सएप सोशल मीडिया गाइडलाइंस को चैलेंज किया। भारत में जल्द लॉन्च होने जा रहा है MI-11 लाइट 4G, जाने कितनी होगी कीमत। सोने चांदी के दाम में आया जबरदस्त उछाल, 2 महीने में 5,000 रुपए हुआ महंगा। PUBG फैंस के लिए अच्छी खबर, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में आएगा ये खास मैप। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले एक दिन गिरावट के बाद फिर बढ़ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,08,921 नए कोरोना केस आए और 4,157 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 2,95,955 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। बीते दिन 20,39,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 33 करोड़ 48 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन रिकॉर्ड 22.17 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 9% से ज्यादा है। देश में आज कोरोना की ताज़ा स्थिति, कुल कोरोना केस 2,71,57,795, कुल डिस्चार्ज 2,43,50,816, कुल एक्टिव केसेस 24,95,591, कुल मौतें 3,11,388 हो गई है। देश में रोजाना कोरोना वायरस के लाखों नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार लगातार किसान आंदोलन को कोरोना के बढ़ते केसों का जिम्मेदार ठहरा रही है। वहीं किसान भी आंदोलन को जारी रखने की बात पर डटे हुए हैं। इस मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर आंदोलन को 2024 तक भी जारी रखना पड़े तो रखेंगे, हम नहीं सरकार कोरोना फैला रही है। शो के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने न्यूज एंकर से भी जमकर बहस की। भारत में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर बायोटेक इस साल भारत को 5 करोड़ खुराक देने को तैयार हो गया है, लेकिन कंपनी केंद्र सरकार से नियमों में छूट चाहती है। राइटर्स के मुताबिक भारत सरकार और फाइजर बायोटेक के बीच वैक्सीन की डील को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। कंपनी ने भी एक बयान जारी कर बताया था कि भारत के साथ वैक्सीन को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही इसके नतीजे सामने होंगे। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन आज से 1 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले लागू लॉकडाउन का दूसरा चरण मंगलवार को समाप्त हो चुका है। लॉकडाउन के अन्य पहले से लागू प्रावधान जारी रहेंगे। इसके अलावा अब खाद बीज व कृषि यंत्रों से जुड़ी दुकानें रोज सुबह खुल सकेंगी। इसके तहत अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर किसी भी सड़क पर गाड़ी या पैदल निकलने पर कार्यवाही की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा। मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन के बच्चों पर हुए दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे घोषित किए हैं। कंपनी ने बयान जारी कर बताया कि उनकी वैक्सीन बच्चों पर 100% प्रभावी और सुरक्षित पाई गई है। ये ट्रायल 12 से 17 साल के बच्चों पर किया गया था। इसी बीच मॉडर्ना से जुड़ी एक और अहम खबर ये भी है कि कंपनी अपनी सिंगल डोज अगले साल भारत में उतार सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक यास गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है और ये ओडिशा तटीय इलाकों से टकरा गया है। चक्रवाती तूफान यास का असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों पर दिखने लगा है और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा में रिहायशी इलाकों में समुद्र के पानी से बाढ़ आ गया है। चक्रवाती तूफान यास के लैंडफॉल की प्रक्रिया जारी है।
सरकार के नए डिजिटल नियमों के खिलाफ व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। व्हाट्सएप ने कोर्ट में अपील की है कि नए डिजिटल नियमों पर रोक लगे, क्योंकि ये यूजर्स की प्राइवेसी के खिलाफ है। कोर्ट में व्हाट्सएप ने कहा है कि ये कानून गैर संवैधानिक है, क्योंकि यूजर्स की प्राइवेसी इससे खतरे में आती है। इस नियम को मानने के लिए इसे रिकवरी और सेंडर दोनों के मैसेज का एन्क्रिप्शन ब्रेक करना होगा। Xiaomi के एक एग्जीक्यूटिव के ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि MI 11 Lite 4G को भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है। Xiaomi इंडिया के मार्केटिंग लीड सुमित सोनल ने एक टीजर पोस्ट किया है। Xiaomi ने भारत में MI 11 Ultra को लॉन्च किया था और यही देश में उपलब्ध एकमात्र MI 11 सीरीज फोन है। अब लग रहा है कि कंपनी MI 11 के लाइट वेरिएंट को भारत में लाने की तैयारी कर रही है। इसकी ग्लोबल लॉन्चिंग 5G वेरिएंट के साथ पहले की जा सकती है। इसकी ग्लोबल लॉन्चिंग 5G वेरिएंट के साथ पहले ही की जा चुकी है। सोने चांदी की कीमतों में आज फिर जबरदस्त तेजी देखी गई है। आज सोने के रेट 49,000 रुपीस प्रति 10 ग्राम को क्रॉस कर गए हैं, वहीं चांदी के दाम 72,500 रुपीस को पार गए। अगर देखा जाए तो पिछले दो महीने से भी कम समय में सोना 5,000 रुपए महंगा हो गया है। मार्च में सोने की कीमतें लगभग 44,000 रुपीस प्रति 10 ग्राम के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। कीमतों में हालिया सुधार के बावजूद सोने की दरें अभी भी पिछले साल के उच्चतम 56,200 रुपीस से काफी नीचे है। क्राफ्टन कंपनी अपने नए गेम बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को अगले महीने लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कुछ समय पहले ही क्राफ्टन ने गेम का एक मैप टीज किया था जो शैनलॉक जैसा लगता है। अब कंपनी ने एक और मैप टीज किया है जो पुराने गेम पबजी मोबाइल के पॉपुलर एरेंज मैप जैसा ही है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत में पबजी मोबाइल को पिछले साल बैन कर दिया गया था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इन 10 बड़ी खबरों के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।